हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो गाइस, ये अभी सुबह का टाइम है और जब मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी और अपनी मासी से बात कर रही थी, हम लोग बातें कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं जब मिलते हैं तब, और यहाँ पर मैं फ़ोन देख रही हूँ उसका, जब हमने सेल्फ़ी निकाली थी इससे पहले, जस्ट पहले हमने सेल्फ़ी खींची थी। और उसको मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि ये अपलोड करनी है, वो अपलोड करनी है, इसमें हम अच्छे नहीं निकले हैं, इसमें ये फ़ोटो अच्छा निकला है। तो ऐसे ही हम लोग की बातें चल रही थी और काफ़ी हम लोग अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे का साथ जब हम लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसी वजह से वो काफ़ी दिनों के बाद मेरे घर आई है, तो हम लोगों की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी और हम लोग पिक खींच रहे थे, तो इसी वजह से वो अपलोड भी करने थे हमें, तो इसी वजह से हम लोग देख रहे थे कि कौन सा अपलोड करना है, क्या करना है। तो यही वो बता रही थी मुझे, और बस हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। और यहाँ पर है ये मेरी मासी का बेटा, इधर बैठा है, जो इससे पहले सभी लोग यहाँ पे थे, मतलब माही, अद्विक और दूसरा बेटा भी मासी का, बट अभी ये भी चला गया है यहाँ से। और वो सब लोग बोर हो रहे थे हम लोग देख के, हम लोग बातें कर ही रहते कर ही रहते, हम लोग अपनी बातें कर रहे थे और पिक्स वगैरह देख रहे थे, तो इसी वजह से वो सभी बोर हो रहे थे। हमारी बातें ख़त्म हो जाने के बाद और कॉफ़ी फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं आज पोहा बनाऊँगी क्योंकि मेरे घर में एक दिन छोड़ के ब्रेकफास्ट में पोहा बनता है और इन्हें जाना था ड्यूटी, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। पोहा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने पोहा की रेसिपी काफ़ी बार आपके साथ शेयर की है, बट शॉर्ट में मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं तो उनको पता नहीं होगा, तो इसीलिए मैं शॉर्ट में रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है एक कढ़ाई में, और उसके बाद मैं मूंगफली ऐड कर दूंगी उसमें और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मूंगफली को। बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे जीरा, और जीरा हो जाने के बाद उसमें ऐड करेंगे प्याज, और उसके बाद मैं यहाँ पर उसमें ऐड कर रही हूँ आलू, और उसमें मैंने हरी मिर्च पहले ही ऐड कर दी थी। तो बस तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और अच्छे से चलाना है और थोड़ी सी स्टीम आने के लिए रख देना है, तो बस इसे मैं थोड़ी देर के बाद ढक के रख दूँगी। और जब स्टीम आ जाए तो उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे हल्दी। तो यहाँ पर मसालेदानी में से हल्दी ख़त्म हो गई थी तो उसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है, और उसमें जो है वो मैंने हल्दी ऐड कर दी है और पोहा वगैरह मैंने उसमें ऐड कर दिया है। तो अभी इसे मैं चलाते जाऊँगी अच्छे से, और बस उसमें नमक ऐड कर दूँगी, और नमक ऐड हो जाने के बाद भी उसे अच्छे से चला लूँगी और उसे स्टीम आने के लिए ढक के रख दूँगी। तो बस स्टीम आ जाए तो उसे अच्छे से चला लेना है आपको, और उसमें धनिया पत्ता ऐड कर देना है, तो धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए डाल देना है। और बस प्लेट में डाल रही हूँ मैं यहाँ पर और सबको दे दूँगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसमें अच्छे सा टेस्ट आने के लिए नींबू हम लोग लेते हैं ऊपर से पोहा में, तो इसीलिए मैं यहाँ पर नींबू काट रही हूँ, तो नींबू भी डाल दूँगी। और मेरा पोहा रेडी है और इन्हें दे दूँगी खाने के लिए। और यहाँ पर मैंने साथ साथ गैस पे चाय भी चढ़ा दी है, तो यहाँ पर जो है वो सब लोग पोहा खा रहे हैं, अंकल, बच्चे, और यहाँ इनका पोहा खाना हो गया है, तो यहाँ पर मैं इनके लिए चाय लेके आई हूँ। और अंकल का जो है वो पोहा खाना बाकी था, इसी वजह से मैंने उनकी चाय वहाँ पर रख दी है। ये इधर खा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर किचन में बैठ के खा रहे हैं, और यहाँ पर बातें भी हमारी चल रही है मासी की और मेरी, तो हमारी बातें जो है वो ख़त्म ही नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग खाते खाते भी बातें कर ही रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पर अद्विक जो है उसके पापा के साथ थोड़ा बाहर जा रहा था घूमने के लिए। ये बग इकड़े बग इकड़े बग छान छान दिसत आहेस तू, दाखवते तो बोल बोलते नाही, तो तो खिचा आत मध्ये टाका बरं त्याचा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मासी जो है वो आटा गूंद रही है, और कितनी कसरत लगा रही है आटा गूंदने में क्योंकि वो ऑलरेडी पतली है, और इतना सारा आटा मैंने उसको गूंदने के लिए दे दिया है। अद्विक उसके पापा के साथ बाहर गया था, तो मैं इधर आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी। सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है। और हाँ, मैं आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ रस्सी वाली, तो इसी वजह से मैं उसे कुकर में ही बनाती हूँ और वो जल्दी बन जाती है, इसी वजह से अभी मैंने कुकर चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हमें आलू की सब्ज़ी के लिए चाहिए टमाटो, प्याज, अदरक और लहसुन, तो ये मैं अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल कुकर में,
और उसे अच्छे से पीस जाने के बाद मैं उसका पेस्ट ऑयल में ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से चला लूँगी। जब तक आपका जो पेस्ट है वो ऑयल नहीं छोड़ता है तब तक आपको इसे अच्छे से चला लेना है मसाले को और अच्छे से भून लेना है, क्योंकि अच्छे से आप भूनोगे नहीं तो मसाला मतलब कच्चा कच्चा सा लगेगा और बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा अच्छे से। तो इसी वजह से आपको भूनने पर ज़्यादा ध्यान देना है। और हाँ, थोड़ा सा ऑयल कम हो गया था तो इसीलिए मैं ऑयल ऊपर से ऐड कर रही हूँ, तो इसी वजह से। और हाँ, अच्छे से मैं इसे मसाले को भून लूँगी, उसके बाद मैं उसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आलू जो है वो धो के काट के रख दिए हैं, तो बस इसमें मैं स्पाइसेस अभी ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं हल्दी, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। मिर्च पाउडर जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है आपको, और अच्छे से इसे चला लूँगी। और अच्छे से मसाला मेरा भून गया है, आप देख सकते हो। बस उसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी और बस पानी ऐड कर दूँगी उसमें, और ऊपर से मैं नमक ऐड कर दूँगी। तो हो गया है हमारा मसाला रेडी। अब मैं यहाँ पर कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और साइड में जो है हमारा आटा भी गूँध चुका है। आंटी ने कैसे तो भी आटा गूँध लिया था, तो चलिए फिर आटा भी गूँध चुका है तो इसे मैं ढक के रख देती हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मासी बना रही है बासुंदी, यानी कि क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, रबड़ी। रबड़ी रबड़ी बना रही है मासी। यहाँ पर कढ़ाई में दूध रखा है, अभी कितना टाइम लगेगा पता नहीं, एक घंटे में बन जाएगी। एक घंटे में? चलो बननी चाहिए जल्दी से, हमें बाहर भी जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कब से वो चला रही थी दूध को, और दूध थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हमें वेट करना होता है, तो इसी वजह से काफ़ी देर से वो चला रही थी। तो उसके पैर दर्द कर रहे थे इसी वजह से वो गैस के ओटे पर ही बैठ गई है। और यहाँ पर जो है वो मैंने बेसन भिगो के रख दिया है पकोड़े के लिए, तो यहाँ पर मैं प्याज वाले पकोड़े बनाऊँगी। इसके बाद भी मासी की जो है वो रबड़ी बनानी हो जाएगी तब मैं उस पर पकौड़े बनाऊँगी। और यहाँ पर हम लोग चीनी ऐड कर रहे हैं इसमें, अभी ये दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका है तो इसी वजह से हम लोग इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर रहे हैं। और चीनी ऐड हो जाने के बाद भी काफ़ी देर तक हमें इसे चलाना होता है और भी इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने देना होता है दूध को, तब ये जो है बासुंदी यानी कि रबड़ी काफ़ी अच्छी बनती है। इसके बाद थोड़ी देर तक वो चलाएगी और उसमें जो है हमें उसके बाद ड्राई फ्रूट का जो मतलब हमने ड्राई फ्रूट का जो पाउडर बनाया था वो उसमें ऐड करना है हमें। तो ये सारे ड्राई फ्रूट को मैंने मिक्स किया था और उसका पाउडर बनाया था, तो वो उसमें ऐड कर रही हूँ। और ये जो है इसे चारोली बोल है, तो पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं उसे, तो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ तो आप समझ जाना आप लोगों के साइड में क्या बोलते हैं इसे, हमारे साइड में इसे चारोली बोलते हैं। तो हम वो उसमें बासुंदी में यानी कि रबड़ी में ऐड करते हैं और काफ़ी अच्छी टेस्ट आती है इसकी। तो ये ड्राई फ्रूट में ही आता है, यानी कि मतलब हमारे साइड में ये ड्राई फ्रूट के दुकान पर ही मिलता, बट मैंने इसे डीमार्ट से लाया है तो मैं हमेशा इसे डीमार्ट से ही लाती हूँ इसी वजह से। तो यहाँ पर मैं पकोड़े भी फ्राई कर रही हूँ लगे हाथ, तो यहाँ पर मैंने पकोड़े फ्राई करने के लिए डाले हैं और यहाँ पर मेरे पकोड़े भी बन रहे हैं। लगभग हमारा खाना बन ही चुका है, यानी कि बस पकोड़े करने हैं और पापड़ फ्राई करने हैं थोड़े से, और बस सब्जी तो मेरी बन गई है, रोटी बनानी बाकी है, तो रोटी जो है वो मासी बना लेगी। अभी मेरे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं तो मैं बच्चों को खाने के लिए, और अंकल वगैरह है तो अंकल को खाने के लिए दे दूँगी, और अंकल के जो फ्रेंड है वो आए थे अंकल से मिलने के लिए, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर पकोड़े बना रही हूँ और उन दोनों को पहले खाने के लिए दे दूँगी गर्म गर्म पकोड़े, और उसके बाद अब मैं बच्चों को भी खाने के लिए दे दूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी सब्जी भी रेडी हो चुकी है और कितना अच्छे से कलर आया है सब्जी को। इसके बाद मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी और यहाँ पर बच्चे भी खा रहे हैं अच्छे से एंजॉय करके, एक ही प्लेट में तीनों भी खा रहे हैं, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। आई नो मैं आपसे काफ़ी देर के बाद बात कर रही हूँ, मतलब पूरा दिन निकल गया और अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और अभी आपका वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि आपका वेलकम प्रॉपर तरीके से होना बाकी था इसी वजह से। और हाँ, आप भी समझ सको कि आज मैं दिन भर बिजी थी कुकिंग एंड ऑल में, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा आपसे बात ही नहीं कर पाई और बाद में भूल गई थी मैं, मुझे आपका वेलकम भी करना है, तो इसी वजह से आप भी समझ सकते हो कि कोई गेस्ट हमारे यहाँ पे आता है तो हमें उनको टाइम देना होता है, इसी वजह से मैंने वही किया है जो मुझे करना था, तो मैंने थोड़ा उनको भी टाइम दिया। और हाँ, मैंने शूट तो पूरा कर लिया है, आपने देख ही लिया है, तो
बस इतना ही था, और आपको वेलकम मुझे करना था और आपसे बात करनी थी तो थोड़ी देर। और हाँ, आज का दिन काफ़ी अच्छा गया मेरा, और काफ़ी दिनों के बाद माँ से आई है तो हमने भी काफ़ी बातें की आज भी, और काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, और बच्चे भी काफ़ी खुश है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके। माँ ही तो काफ़ी ज़्यादा खुश है, अद्विक भी बहुत खुश है, अद्विक मस्ती बहुत कर रहा है, चौक में देख ही लिया कि कितनी मस्ती चल रही है इनकी, तो इसी वजह से काफ़ी मस्ती कर रहा है अद्विक भी, और माँ ही भी काफ़ी मस्ती कर रही है। यही इनको टाइम मिलता है, मतलब बच्चे मिलते हैं एक दूसरे से तो इनको अच्छे से टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ खेलने का मौका मिलता है, तो इसी वजह से। और हाँ, मेरी मासी का बेटा आ गया था, तो चलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और जाते जाते अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो। आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड ब्यूटी रिलेटेड टिप्स के वीडियोज़ डालती हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझसे वहाँ पे बात भी कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।